चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई, जहां सभी सभाओं में अब कांग्रेस सनातनी की बात करेगी। असली नकली राम और हिंदू में बताएगी अंतर। एजेंडे को साधने मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मंच पर भाषण में हिंदुत्व के एजेंडे का असर देखा गया है। बीजेपी के अभेदगढ़ गोविंदपुरा में सभा में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, दिग्गज नेता मुकेश नायक, सुरेश पचौरी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तक ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भाषण दिए। हिंदुत्व के एजेंडे को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक को जिम्मेदारी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस सभी सभाओं में अब सनातनी की बात करेगी, असली नकली राम और हिंदुओं में अंतर बताएगी। एजेंडे को साधने के लिए मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मंच पर भाषण में हिंदुत्व के एजेंडे का असर देखा जा रहा है। बीजेपी के अभेदगढ़ गोविंदपुरा में सभा में कांग्रेस का हिंदुत्व काट, दिग्गज नेता मुकेश नायक, सुरेश पचौरी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ तक ने हिंदुत्व के एजेंडे पर भाषण दिया है। हिंदुत्व के एजेंडे को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, एक दौर था जब कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती थी बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल पड़ी है। हर सभा में सनातनी की बात की जा रही है, असली नकली राम और हिंदू में अंतर बताया जा रहा है। एजेंडे को साधने के लिए मुकेश नायक को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के मंच पर भाषण में हिंदुत्व के एजेंडे पर का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के अभेदगढ़ गोविंदपुरा में सभा में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड देखा गया, जहां पर अब जो दिग्गज नेता है वो ही अब सनातन को लेकर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। मुकेश नायक को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, इसे लेकर एजेंडा साधने के लिए मुकेश नायक जो है अब सनातनी के ऊपर हर सभा में जाकर भाषण देंगे, असली नकली राम और हिंदू में जो अंतर है वो भी बताएंगे। अब देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस ये बात कहती आई है हमेशा से कि धर्म की राजनीति भाजपा का काम है, कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां असली नकली राम और हिंदू में जो अंतर है वो कांग्रेस बताएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी का। ब्रजेश जी, जिस तरह से अब मध्य प्रदेश कांग्रेस सभी सभाओं में सनातनी धर्म के बारे में बताएगी, बात करेगी, और असली नकली राम और हिंदू में जो अंतर है उसके बारे में भी जनता को जानकारी देगी। एक समय था जहां पर कांग्रेस लगातार तब भी ये कहती थी और अब भी यही कहती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस नहीं करती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी भगवा रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस पर भगवा रंग चढ़ा। आपने भगवा रंग की बात की है तो आप देखिए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय लाइफ में पहली बार भगवा रंग में डम जाता, पूर्वा भगवा में हो जाता है। उनके बड़े नेता जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, किस तरह से खुद को हनुमान भक्त बताने जा रहे, उनकी पूरी पार्टी चली रहती है, वो खुद खुद को हनुमान भक्त साबित करने में लगे रहते, पूरी पार्टी ये बताने में लगी है कि सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं, उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया है, हनुमान चालीसा का पाठ करने के निर्देश बीजेपी से पहली बार दिए जाते हैं, गणेश जी की स्थापना होती है, गणेश उत्सव में वो बीजेपी में कराई जाती है। कांग्रेस अपना चोला बदल गई और इसके पीछे उसके राजनीतिक नफा नुकसान, राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस पहली बार बदलती दिख रही है। कांग्रेस बहुत निरपेक्षता का चुनाव ऊपर चलती थी, वो सब धर्मों को साधने की बात करती थी, लेकिन जिस तरह से उसने देखा है कि बीजेपी धर्म का लाभा उठकर, धर्म का एक तरह से भगवान का रंग कर किस तरह से सत्ता तक पहुंच गई है सब, और
कांग्रेस किसी धर्म की वजह से उसका आरोप लगता है कि उसके धर्म से को ज्यादा महत्व देती है। उसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का पहला हक देश की संपत्ति पे सरकारी संपत्ति पे अल्पसंख्यकों का पहला हक, जिस तरह से वो तुष्टिकरण की राजनीति करती थी, कहीं ना कहीं उसे लगा है कि अभी हिंदू एक हो गए हैं, हिंदुत्व के छाते के नीचे एक हो गए हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, चाहे वो हम मध्य प्रदेश में देखें चाहे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर देखें। इसी वजह से कांग्रेस बदलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में साफ हिंदुत्व की राह पर कमलनाथ 2018 से चल रहे हैं, वो किस तरह से रामपथ गमन की बात करते थे कि वो रामपथ गमन का रास्ता बनाएंगे, और वो महाकाल गायबंध की बात करते थे, वो देखिए गौशालाएं खोलने की बात करते थे, साफ हिंदुत्व को लेकर कमलनाथ आगे बढ़ रहे थे, और 2018 में उनकी सरकार बन गई। अब कांग्रेस को लगता है कि इसी राह पर चलते रहना चाहिए, जिससे उनको जो हिंदुओं का वोट आज बीजेपी के पाले में चला गया तुष्टिकरण के कारण, वो फिर वापस लौटा। इसी वजह से आज उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है, मंचों से सार्वजनिक रूप से जो भाषणबाजी होगी सनातन की बात की जाएगी। आज बात यह है, उसमें ये कहा जा रहा है, आज कमलनाथ जी मंच पर मौजूद थे, सुरेश पचौरी मौजूद थे और मुकेश नायक मौजूद थे, पीसी शर्मा मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि आप सनातनी बात करेंगे और असली हिंदू नकली हिंदू में अंतर बताएंगे। हर मंच पर भाषण का एक मुद्दा होगा। अब समझ में ये नहीं आता है कि असली हिंदू और नकली हिंदू में क्या अंतर है, जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलता है, जो भगवान राम को मानता है, जो सनातन रूप से भगवान की पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, या देवी देवताओं को मानता है, उसको आप हिंदू कहते हो, तो नकली हिंदू कहाँ पे आए हैं? क्या नकली हिंदू के साथ परिचय ये है कि बीजेपी वाले नकली हिंदू हैं, तो कैसे आप साबित करोगे कि वो नकली हिंदू है? वो लगातार जिस राह पर चल रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, वो घातक कांग्रेस करने लगी है। तो असली नकली की जो लड़ाई है, एक तरह से समाज में ये बताने की कोशिश है कि हिंदुत्व गलत है, जिस तरह से जो व्याख्या की जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, चाहे दिग्विजय सिंह के द्वारा, उसी राह पर मध्य प्रदेश कांग्रेस की आगे बढ़ती दिख रही है। अब ये सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा सवाल है, किसको वो नकली हिंदू कहेंगे, किसको वो साबित करेंगे कि नकली हिंदू है, किस आधार पर वो साबित करेंगे कि नकली हिंदू क्या है और असली हिंदू क्या है। असली हिंदू से तात्पर्यता है सभी लोगों को साथ लेकर चलना, जो बात कांग्रेस करती थी पहले धर्म निरपेक्षता की, उसी राह पर आगे बढ़ती रहती तो वो कह सकती थी, लेकिन वो तो खुद ही चोरा बदल लिया उसने। वो यदि हम देखते हैं हनुमान चालीसा पढ़ाती है, भगवान में कर देती है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को, तो क्या ईद पर उसने क्यों नहीं किया, उसको उस धन के उसमें ओढ़ देना चाहिए था, जिस तरह से भगवा किया है आपने, उसी तरह से हरे रंग में कर देना चाहिए था, ऐसी मांग भी कांग्रेस की तरफ से उठ रही है। तो कांग्रेस एक वोट बैंक को मान के चलती है, मध्य प्रदेश में उसका वोट बैंक बना हुआ है, और जो दूसरा वोट बैंक जो हिंदुत्व के खाते पर एक आ गया, जो RSS BJP और जो हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग हैं उनके खाते की वजह से, जो जातियों में बटा था, वो सारा वोट बैंक एक खाते के नीचे आ गया, उसी खाते में वो एक तरह से छेद करना चाहती है, उसका जो वोट बैंक है जो खिसक गया है हिंदुत्व के खाते में चला गया, वो वापस लौट आया। अब इसमें कांग्रेस कितनी सफल होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन उसको कोशिश शुरू कर दी है कि जिस वोट बैंक की वजह से वो सत्ता में बरकरार रही है, जो छिटक गया है, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करके जो मुस्लिम विदेशी एक तरह से कांग्रेस की छवि बन गई थी, हमने देखा है लोकसभा में किस तरह से राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर जाते हैं, तो किस तरह से सोमनाथ मंदिर जाते हैं, महाकाल मंदिर जाते हैं, और एक तरह से वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो हिंदुओं के लिए हैं, हिंदुओं के आराध्य देवताओं को मानते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदुओं की विचारधारा को मानते हैं, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं देर से सही लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि हिंदुओं का समर्थन करना बेहद जरूरी है। जगह था जिस तरह से विरोध किया जा रहा था हिंदू राष्ट्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इस तरफ भी मुड़ने लगेगी कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से सनातनी धर्म की बात की जा रही है, अब सनातनी क्या सपोर्ट किया जा रहा है, असली नकली राम और हिंदू में जो अंतर है वो अब जनता को समझाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमें समझाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से अब कांग्रेस ने अपना एजेंडा बदल दिया है, अपनी रणनीति बदल दी है, चुनाव से पहले देर से ही सही लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को ये बात समझ में आने लगी है कि सनातनी की बात करना बेहद जरूरी है, धर्म की हिंदू राष्ट्र की बात करना बेहद जरूरी है, हिंदू धर्म के बारे में बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एजेंडे को साधने के लिए मुकेश नायक को भी पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। और अब एक ही मंच पर किस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक अब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और एक साथ सभी हिंदुत्व के एजेंडे पर भाषण भी देते हुए नजर आ रहे हैं।